अरे सुनो, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहे, मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बर्पिता, कोई और थोड़ा सोचती थी पांडव। ओए पागलों के पाजी, सो रहा हूँ ना मैं। ओ बीरे, अंकल का काला चश्मा घूम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूँ, तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूँ गुंडे। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूँ, तूने मुझे उठाया तो तू जा। बस कर रहा था, चला मदद करा तन्ना, दोघा मिलून शोधा त्यांचा चश्मा, चला। ते बिन्ने मंद लेवन इन्ने कुंडो लिस चलियो इले रेंडे रे जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अंकल जी, वो काला चश्मा नहीं मिल रहा, बाथरूम में तो नहीं आया? अरे बाथरूम लोग नीले रावट ले दो, इनका कलजोड़ एक नहीं दोस्तों नहीं। मामा, अंकल जी के काले चश्मे हो गए, देखा आपने? आने डी कलजोड़ इधर ना नहीं नोट ले, ब्रो, बोतल नहीं उड़को, हमें ना नोट देने। हाँ? सब मुझे मामा क्यों बना रहे आज? अरे छेले दूर तो माथा खराब हो गया थे, एक जन से एक प्रश्न करछे, पर जन से सही एक ही प्रश्न करछे, आपने ये सनग्लास टा कोथाओ देखे छेन? ज्ञान इल्ल कंडिल्ल अंजुम पाती है बड़ा डाइट। एक खून तो उसे चाह खाच चुके करने। पास अंग्लास उसे बड़ा डाइट लिखा। इन्हें आ कन्नड़ी कंट्री बढ़ गया। इन्हें केंद्र कन्नड़ी। हेलो। ओ, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैं तेरे पीछे हूँ। तू मुझे बार बार फोन क्यों करता है? ओ अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने ये ले। तुम छोड़ो मैं दे दूंगी। अरे भाभी ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए। थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं। कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। Stay home, stay safe. इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है। हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ, दिस टू शैल पास, टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार।